जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजय पथ एजुकेशन पालमपुर। सो आज की इस वीडियो में जानेंगे जो कि हिमाचल पुलिस का एग्जाम आज कंडक्ट करवाया गया था 3 जुलाई 2022 को, इसकी मैथ और रीजनिंग की आंसर की। इससे पहले एक वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है, जिसमें आपका जीके, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी के सभी के क्वेश्चन के आंसर जो है वो उसमें डिस्कस किए गए हैं। और अभी जो है वो हम जानेंगे मैथ और रीजनिंग की आंसर की। सो सबसे पहला हमारा ये सीरीज जो है वो हमारी सी सीरीज है, और इसमें से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसका मैथ का। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछा गया था। तो सबसे पहला आपका पास क्वेश्चन है 400 से 990 तक पूर्णांक लिखते समय अंक 6 कितनी बार आता है। तो यहां पे जो आपका 49th क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 200 बार जो है ये आएगा। नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 था, परसेंटेज से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रतियोगी परीक्षा में पुरुष और महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में 60% महिलाएं हैं, तो 18% उम्मीदवारों ने जो है वो परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है ऑप्शन ए 76.67। ऐसा मान के चलते हैं कि टोटल जो है वो 100% हमारे पास उम्मीदवार हैं, और इसमें से जो हमारे 60% हैं वो हैं हमारे पास महिलाएं, और 40% हैं हमारे पास मेल। ये फीमेल की बात की गई है, ये मेल की बात की गई है। अब इन दोनों में से बोला गया कि 18% ने परीक्षा पास की, टोटल 100 है, तो 100 में से जो है वो 18 बच्चे जो है वो पास हो गए, और उनमें से 22.22 जो है वो पुरुष हैं। जब मैं इस 18 बच्चों का 22.22% जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास वो निकल के आएगा 3.999 समथिंग। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास मान सकता हूँ, 4 के आसपास में इसको मान सकता हूँ। तो 18 में से 4 बच्चे पास हो गए जो कि मेल थे, और बाकी जो बच गए, 18 में से 4 अगर मेल हैं तो बच गए 14 जो हैं वो फीमेल पास हो गई। हमें यहाँ पे पूछा है कि कौन से बच्चे हैं जिन्होंने वो परीक्षा जो है वो पास नहीं की है। तो 60 में से 14 लड़कियों ने परीक्षा पास की है, तो बची कितनी, 46 लड़कियां बची, कितने में से, 60 में से, और परसेंटेज के लिए करेंगे इनटू 100। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 76.67, जो कि आपका ऑप्शन है, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 था ये मैथ का। रमेश परिवार के लिए हर महीने 20 किलो गेहूं खरीदता है, गेहूं की कीमत 14 रुपये से बढ़ाकर 16 रुपये कर दी गई। यदि वो अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता है तो मूल्य वृद्धि के बाद उसे मात्रा में कितनी गेहूं खरीदनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको बोला गया है कि 20 किलो जो है वो यहाँ पे क्या करता है, गेहूं को खरीदता है। अगर वो 14 रुपए के हिसाब से खरीदेगा तो उसको 280 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, और अगर वो 16 रुपए के हिसाब से खरीदता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 320 रुपए यहां पे देने पड़ेंगे। अब आगे आपको यहां पे परसेंटेज का कोई भी फिनोमिना नहीं लगाना है। अब यहां पे बोला है कि वो अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता, इसका मतलब है कि वो 14 रुपए के हिसाब से ही अपना खर्चा करेगा। अब जब वो 14 रुपए के हिसाब से खर्चा कर रहा है तो उसके पास टोटल कितने पैसे हैं, 280 रुपए हैं टोटल के टोटल। लेकिन मूल्य वृद्धि के बाद, अब मूल्य तो बढ़ गया, इसका मतलब है उसको जो रकम, जो उसके पास रकम है 280, वो उसको 16 रुपए के हिसाब से खरीदनी पड़ेगी उसको गेहूं। तो जब ये खरीदेगा तो उसको 20 किलो गेहूं नहीं मिलेगी, उसको जो मिलेगी वो मिलेगी 17.5 kg गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद काफी एक इजी क्वेश्चन यहाँ पे ट्रेन से रिलेटेड पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 150 मीटर लंबी एक लंबाई की ट्रेन है, 90 मीटर के हिसाब से, किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है, और 250 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। तो इसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला रहता है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय टाइम टी। तो स्पीड आपके पास गिवन थी जो कि है आपके पास 90, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 150 मीटर आपकी जो है वो ट्रेन है,
और 250 मीटर आपके पास लंबा प्लेटफॉर्म है, और डिवाइड कर देंगे टाइम टी से, 18 से 90 आपका 5 बार कट जाएगा, 5 को 5 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 25, और 25 इज इक्वल टू 150 और 250 आपके पास कितने बन जाएंगे, ये आपके पास टोटल बन जाएंगे 400, और 400 और नीचे आ जाएगा टी। अब टी दूसरी तरफ जाएगा, 25 इस तरफ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 25 से 400 जो है वो कट जाएगा आपका 16 बार। तो 16 सेकंड में जो है वो ट्रेन 250 मीटर लंबी सुरंग को जो है वो पार कर जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, एरिया या फिर मैंसुलेशन के 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए थे, और ये आपको क्लास वर्क में करवाया भी गया था। सो यहाँ पे आपको बोला है कि 24 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा, 18 मीटर ऊंचा कमरे में सबसे लंबा अगर बांस या कोई खंबा रखना है तो उसकी लंबाई आपको बतानी। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे डायोगनल पूछा गया था, अगर कोई भी एक रूम है तो उसमें सबसे लंबी जो लेंथ रहती है वो है आपकी डायोगनल। तो डायोगनल का फॉर्मूला लगना था, जो कि आपका था क्यूबॉइड के लिए एल स्क्वेयर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा। उसके बाद ब्रेथ का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 256 आ जाएगा, और जब आप 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आ जाएगा। तीनों को ऐड करने पे आपके पास आएगा 1156, और इसका अंडर रूट जो है वो आपके पास रहेगा 34 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, दो गोलाकार गेंदों का सतही क्षेत्रफल 4 और 9 के रेशो में दिया था, बड़ी गेंद की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है और छोटी की आपको कितनी बताई गई है, 4 सेंटीमीटर आपको बताई गई है। अब आप यहां पे देखेंगे, सबसे पहले मैं इस तरफ यहां पे सॉल्व कर देता हूं, दो आपके पास गेंद है यानी कि वो स्फेरिकल है, तो यहां पे स्फीयर का आपके पास फॉर्मूला लगेगा 4πr² और डिवाइडेड बाय 4πr², ये आपके पास बनेगा कितना, 4/9 बन जाएगा। 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, आपके पास एक r जो है आप उसको कैपिटल में बोल सकते हैं और नीचे वाले को सिंपल में बोल सकते हैं, ये 4/9 है। यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है तो इसके दूसरी तरफ लेके जाके जब इसको जाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, जो कि मेरे पास रह जाएगा 2/3। अब मेरे को बोला है कि छोटी गेंद की त्रिज्या 4 है, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये छोटे के लिए है, नीचे वाला बड़े के लिए है। अब इस 2 को मेरे को 4 बनाना है तो मैं किससे गुणा करूंगा, 2 को 2 से गुणा कर दिया, तो वैसे ही 3 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, 6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे फिट बैठा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 था, इसमें आपको काफी इजी क्वेश्चन है ये आपका परसेंटेज में भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करवाया जाता है, एरिया के चैप्टर में भी आपको ये आता है, या फिर प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में भी आपको ये आता है। जब बेईमान दुकानदार की बात करते हैं उस टाइम पे आप इसको क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बोला है कि 10%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास 100 था, 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद 15% की वृद्धि करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 115 पे, ये परसेंटेज में मैं लिख रहा हूँ इसको, और 20 की वृद्धि करेंगे तो 100 से 20 बढ़ा दिया, 120 पे पहुंच जाएंगे। ये आपका 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10, दूसरी 0 से दूसरी 0, 11, 115 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1, 5, 1 और 8, और नीचे आपके पास बचा 100 तो इसकी लग जाएगी यहाँ पे पॉइंट। अब लास्ट में आपको कंपेयर करना होता है कि 100 से कितना ज्यादा ये, तो 100 से ये 51.8% जो है वो ज्यादा है, जो कि आपके ऑप्शन सी में फिट था, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहां पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन 56 काफी इजी क्वेश्चन था, आपको बोला गया है कि जेम्स जो है वो 50 दिनों में काम को पूरा करता है और पीटर जो है वो 40 दिनों में काम को पूरा करता है, दोनों का काम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, 200 आ जाएगा, 50 से ये 4 बार जाएगा और 40 से ये 5 बार जाएगा। अब 200 जो है वो 100% काम है, लेकिन उनको जो है वो सिर्फ 45% काम करना है, तो आप 200 का कितना प्रतिशत निकाल लीजिए, 45% आप यहाँ पे निकाल लीजिए, 20 से 20 कट जाएंगी, इसका मतलब उनको 200 काम नहीं करना है, उनको 45% काम करना है, जो कि आपका 90 काम है, और 90 काम जो है वो जेम्स और पीटर दोनों करेंगे, जो कि एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 90 काम करने में 9 से डिवाइड करना पड़ेगा तो उनको टोटल टाइम लगेगा 10 दिन का, जो कि आपके ऑप्शन डी में यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रखा गया था।
उसके बाद जनरल साइंस का मैंने आपको ये सॉल्व करवा दिया है। उसके बाद रीजनिंग के पोर्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे सीरीज सी है ये, 65 क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, 40, 20, 20, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पैटर्न यहाँ पे लगा है, ये मल्टीप्लाई जो है वो आपके पास हाफ है, फिर ये मल्टीप्लाई बाय 1 है, फिर ये मल्टीप्लाई आपका 1.5 है, मतलब डेढ़ से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे आपने 2.5 से मल्टीप्लाई किया, तो अगला जो है वो आपका 3 से मल्टीप्लाई होना था, जो कि आपका ऑप्शन था बी, 415.5 को 3 से करेंगे, 45 और 1 जीरो लगेगी, तो 450 इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 था, ये आपका गैप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना था, आपको इनको ऐड करना है, 3 और 6 9, और 9 और 9 कितने 18, 18 को फिर से आपने इसके डिजिट को ऐड किया तो कितना बन जाएगा 9 ही बन जाएगा, 3 और 8 हमारे 11, 11 और 7 कितने फिर से 18, डिजिट को ऐड करेंगे तो फिर से 9 आएगा, 3, 5, 8 और 1 9, वैसे 3, 6 और 0 ये भी 9, 3, 4, 7 और 2 9, तो सबका डिजिट का सम करने पे 9 आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका सम करने पे 9 आएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3, 5, 1 को ऐड करेंगे तो आपका वो आंसर 9 यहाँ पे फिट बैठेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, इसमें फॉर्मल का आपको कोड दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर आपके पास रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो आपका पैटर्न चला है वो है आपका +3 का और साथ में -3 का, +3 -3 का ये आपका पैटर्न यहाँ पे चला है। उसके बाद आपसे 2 पजल यहाँ पे पूछी गई थी, 68th क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके पास रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 69 था जिसमें से आपको बोला था कौन सा जोड़ा चिकित्सा का अध्ययन करता है, तो उसका राइट आंसर रहना था आपका क्यू और एल। उसके बाद 70 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर था एम, ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर था, इसमें बोला था ओ के अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कौन पढ़ता है, तो एम इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, संग्रहालय का संबंध क्यूएटर से है, तो कारागार का संबंध किससे आएगा, इजी क्वेश्चन है, जेलर से आएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, तो इसमें आपसे मिरर इमेज पूछी गई थी, तो मिरर इमेज में आपको एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि जो लास्ट डिजिट है वो आपका पहला डिजिट आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल फिट हो रहा था, लेकिन ये जिनका हमने एक पेपर जो है वो लिया उन्होंने ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक किया है, जो कि आपकी मिरर इमेज नहीं है, ये आपकी वाटर इमेज की तरह फॉर्मेशन होती है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आपसे एक पजल यहाँ पे पूछी गई थी, नटराजन और डॉक्टर चौधरी से रिलेटेड एक आपकी यूनिवर्सिटी के लिए एक पजल आपसे पूछी गई थी, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहले आपके पास आएंगे नेम, उसके बाद आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट, साथ साथ में आप इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद आ जाएगा यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले डॉक्टर चौधरी की बात करते हैं, जो कि जियोलॉजी सब्जेक्ट है उनका और यूनिवर्सिटी है उनकी बॉम्बे। उसके बाद जो डॉक्टर आते हैं वो आते हैं हमारे पास नटराजन, नटराजन जो है वो बॉटनी के टीचर हैं और ये जो है वो गुजरात में पढ़ाते हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी में ये काम करते हैं। उसके बाद आ जाती है जिया, जिया जिया जो है ये फिजिक्स पढ़ाते हैं और ये भी आपके गुजरात यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। उसके बाद है डॉक्टर जोशी, जोशी जो हैं ये आपके हिस्ट्री पढ़ाते हैं और ये यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद लास्ट में आपके पास हैं डॉक्टर डाबर, तो डाबर जो हैं ये आपके भूगोल पढ़ाते हैं, जियोलॉजी आपको ये पढ़ाते हैं और ये ऑस्मिया यूनिवर्सिटी में जो है ये काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 73 था उसका राइट आंसर है आपके पास डॉक्टर डाबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, डॉक्टर जिया किस विश्वविद्यालय में काम करती है, तो आप यहां से देख सकते हैं ऑप्शन ए आएगा गुजरात। वनस्पति विज्ञान कौन पढ़ाता है, बोटनी आपको कौन पढ़ाता है, तो वो है डॉक्टर नटराजन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद ऑस्मेनिया यूनिवर्सिटी में कौन काम करता है, तो डॉक्टर डावर जो है वो वहां पे काम करते हैं। उसके बाद एक इसका लास्ट क्वेश्चन था पजल का कि कौन सा सही आंसर है, 77 का जो राइट आंसर आपके पास आएगा वो है डॉक्टर नटराजन जो है वो गुजरात विश्वविद्यालय में काम करते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, ओ एफ एन एफ टी जे टी, ये इसका राइट आंसर है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग में जो है आपको इस बार कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। रैंकिंग का कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आपसे पूछा गया था। तो 79 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, माता। और 80 का जो राइट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय।